कि मॉल या मार्केट कॉम्प्लेक्सेस नहीं खुलेंगे, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा रियायत दी गई है, ग्रामीण इलाकों में मॉल्स को छोड़कर बाकी सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, शहरी इलाकों में रेजिडेंशियल इलाकों की दुकानें ही खुली रहेंगी, मॉल या मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों पर तालाबंदी फिलहाल जारी रहेगी, शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद किया गया है, ये सरकार ने अहम फैसला लिया है। लॉकडाउन के दूसरा दौर खत्म होने में भी अभी 8 से 9 दिन बाकी हैं, लेकिन इस बीच सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं। ऐसी दुकानें जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में हैं वो खुली रहेंगी और ग्रामीण इलाकों में रियायत थोड़ी ज़्यादा दी गई है। देश भर में कोरोना की तालाबंदी को पूरे 1 महीने हो गए। कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए ये रणनीति जरूरी थी, लेकिन इस बात का एहसास सरकार को भी है कि ये तालाबंदी देश की अर्थव्यवस्था को किस कदर चोट पहुंचा रही है। इसलिए 1 महीने पूरे होते होते सरकार राहत की एक छोटी सी किश्त लेकर आई है। 24 अप्रैल की रात गृह मंत्रालय से एक आदेश जारी हुआ है, जिसके मुताबिक देश भर में कुछ चुनिंदा दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं, इसका ब्यौरा ये है। लेकिन शर्त ये है कि इस सभी दुकानों में 50% स्टाफ के साथ ही काम होगा, सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। हालांकि इस आदेश के बाद भी दुकानदारों में इस बात को लेकर भ्रम बना रहा कि किस तरह की दुकानें खोली जा सकती हैं और किस तरह की नहीं, लिहाजा आज सुबह गृह मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया, जिसके बाद स्थिति साफ हुई। इसके तहत जरूरी सामानों के अलावा भी दुकानों को खोलने की इजाजत है। हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नया आदेश लागू नहीं होगा। शराब तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर फिलहाल पहले की तरह प्रतिबंध जारी है। ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई करेंगी। हालांकि केंद्र का ये आदेश राज्य सरकारों की सहमति से ही लागू होगा। कई राज्य सरकारें इस छूट को लागू करने पर अभी विचार कर रही हैं। फैसला करना बहुत मुश्किल है, अभी 8-9 दिन बचे हुए हैं। बोलते हैं 1 तारीख या 2 तारीख के आसपास जाके इसके बारे में सही से विचार हो पाएगा, फाइनल हो पाएगा, क्योंकि जितने भी केसेस आ रहे हैं डे टू डे की सारी समीक्षा की जा रही है, कितना बढ़ रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा कि भाई डबलिंग रेट जो है वो कितना रहता है। ये तो तय है कि कोरोना से जंग का फिलहाल लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से बाहर निकलना भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। इसलिए सरकार एकदम से छूट देने के बजाय धीरे धीरे चरणबद्ध रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।